देखिए ये एक जेरोक्स मशीन है, इसमें पावर सप्लाई का मसला है, पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रहा है, तो उसको खोल के रिपेयर करते हैं क्या मसला है। देखिए यहाँ से इस तरह खोला जाता है, इसके पावर सप्लाई सेक्शन में मसला है, तो पावर सप्लाई सेक्शन खोलेंगे तो ये पावर सप्लाई कैसे MPS इसमें लगा रहता है, सेफ्टी के साथ बिल्कुल लगा रहता है कवर में। देखिए ये मैं कवर खोल रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर से, ये इसके अंदर में SMPS रहता है। इनपुट 220 वोल्टेज, आउटपुट 32 वोल्टेज, 32 वोल्टेज DC आउटपुट इसका रहता है, वायर कुछ भी रह सकता है। ये देखिए ये पावर सप्लाई रहता है, तो इनको बाहर निकालना है आपको। ये स्प्रिंग इस तरह लगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है, स्प्रिंग भी लगाना ज़रूरी है, वरना फिर अच्छा क्लियर आपका जेरोक्स नहीं होगा। अब चारों चारों शॉर्ट हैं, और भी कुछ शॉर्ट चेक करने के बाद ही ये सब पता चलेगा, इसको निकालेंगे जब ही पता चलेगा ये शॉर्ट है कि नहीं है, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर देखते हैं। इनको रिपेयर किया है लेकिन किसी लेकिन उन्होंने अच्छे से नहीं समझ पाया, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर से हो गया, क्योंकि उनका प्रॉब्लम होने का रीज़न और कुछ है और वो नहीं समझ पाए हैं। देखिए इसको ओके कर दिया, इसमें जो पेपर डाला हो ना, मेरे पास नवा पेपर नहीं था, तो देखिए एक तरफ रफ पेपर है, एक तरफ ये मैं डायोड डाल दिया हूँ, रेक्टिफायर डाल दिया हूँ डायोड की जगह, जब इसको ऊपर रखेंगे तो नीचे प्रिंट होगा, इसका ये तरीका है। और मैं चेक करके भी बताता हूँ, ये पेपर है एक तरफ खाली है, पीछे प्रिंट हो जाएगा, हम आज अभी जो भी करेंगे। और देखिए ये इस तरह कलर का मैं एक ले रहा हूँ इसमें डालने के लिए, इधर से देखिए मैं काफ़ी कर रहा हूँ यहाँ से, ओके कर दिया हूँ काफ़ी को, बटन स्टार्ट कर दिया हूँ, देखिए निकल गया। देखिए ओके तरीके से बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ओके हो गया है, तो इसको फिट कर देते हैं। जिस तरह से खोला था SMPS, तो उस तरह पहले लगा दिया था मैं, तो देखिए अब इसके ऊपर पर कवर वगैरह लगा देते हैं जिस तरह से था। आपको पहले से ध्यान रखना है किसका स्प्रिंग कहाँ से कौन सा था, तो जिसमें पेपर डालते पहले उनको खोल लो, क्यों लगाने के लिए उधर स्क्रू लगाना पड़ता है, तो देखिए इस तरह से आपको लगाना है, इस तरह से लॉक रहता है, ठोक देंगे तो आपका लग जाएगा बिल्कुल ओके तरीके से। फिर पेपर का भी आपको बॉक्स बंद कर देना है, ओके।